जानकारी के साथ मिथिलेश, ये सर्वदलीय बैठक शुरू कितने बजे से होनी है? चित्रा, 12 बजे से सर्वदलीय बैठक संसद भवन में शुरू होगी। इसके पहले बजट सत्र था, आपने देखा होगा, बजट सत्र अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल के मसले पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि जैसे जैसे कुछ सरकारी कामकाज और संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी, लेकिन इस बार भी हंगामे के ही आसार है। हालांकि महज सिटिंग 16 दिनों की है, कल भी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जो संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बुलाया था, उसमें कुछ मसलों पर सहमति बनी है। मसलन की संसद की सर्वोच्चता का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 साल से ज्यादा सजा पाए हुए लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या एक दिन भी कोई चुनाव के दौरान हिरासत में रहता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जाहिर है ऐसे मसले जिस पर सहमति बनी है, लेकिन कई मसले अभी भी टकराव के हैं। मसलन आप तेलंगाना का ही ले लीजिए, दोनों ही दलों दो प्रमुख विपक्षी दल भी इस मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देश भर में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, इधर पूरब की तरफ भी यही हालात हैं। ऐसे में ये मसला भी आने को उम्मीद है, लेकिन कल की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें कमलनाथ ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, आज प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री सभी दलों से अपील भी करेंगे कि ये सत्र कम से कम मानसून सत्र सुचारू ढंग से चल सके, इसके लिए एक तरह से खाका बनाने की कोशिश होगी। आज स्पीकर मीरा कुमार ने बैठक बुलाई, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष के जो तेवर है उसे देखकर ये जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है 5 अगस्त से, वो सुचारू रूप से चल पाएगा? चित्रा, आप समझ सकती हैं, अभी भी सीबीआई का मसला सबके सामने है। सीबीआई के मसले पर सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एफिडेविट दायर किया है, उसमें विपक्ष सहमत नहीं है। और इस बार भी पिछली बार की तरह ही अश्विनी कुमार का जो मसला आया था, इस बार भी सीबीआई को लेकर ही संसद में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। दूसरी बात, तेलंगाना को लेकर जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर अभी भी यूनाइटेड आंध्रा के समर्थक हंगामे पर उतारू हैं, उसको लेकर कैसे मामले को सुलझाया जाए। वहां से करीब करीब 9 सांसदों ने अपनी तरफ से इस्तीफा दिया है, एक राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, और इसके अलावा आम महंगाई का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला, इस पर भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटेगा विपक्ष। जाहिर है तमाम मसलों पर किस तरह से एक सहमति बनाई जाए, इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से कोशिश जरूर की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो सर्वदलीय बैठक कहा यह जा रहा है कि 12 बजे से शुरू होगी, स्पीकर मीरा कुमार की ओर से यह बैठक बुलाई गई है।